बाबा जी नमस्कार स्वागत है आपका हरियाणा की पंचायत पर राम राम जी जय श्री राम बाबा जी हरियाणा में क्या खेल चल रहा है ये भाजपा ने कहा कि हम लोकसभा चुनाव जो है वो अकेले लड़ेंगे जेजेपी को जेजेपी का साथ हमें नहीं चाहिए तो जेजेपी का क्या होगा फिर मान लो आप जेजेपी हो जी आप <laughs> तो आप आओ मेरे से सीट नेगोशिएट करो चलो मैं आपके साथ लड़ता हूं एकाधी सीट लोगे नौ नौ सीट पे मैं लड़ूंगा एक आपको देता हूं जी कौन सी कौन सी लोगे मान लो आप हो दुष्यंत चौटाला मैं हूं नड्डा जी चलो एक सीट आपको चलो मेरा और आपका पैक्ट है जी नौ पे मैं लड़ूंगा एक आप एक पे आप लड़ लो मंजूर है मंजूर है दो मांगोगे तीन नहीं के वतेरी? एक बतेरी एक बजेरी कुर्सी लडागा भाई सिरसा कितने वोट है उड़े मारिए सीट है पुरानी वो मारे वोट है उड़े ओ पुरानी तो थारे घर था आता हाथी बंद रहा था हैं तुम्हारे घर तो तुम्हारे दादा के तो हाथी था थारे के है जो बताओ वो तारा चाचा तो नहीं हो गया है कि मारी सीट है वो सिरसा तुम कहो मारी है पहले तो आपस में ये डिसाइड करके आओ अजय की है कि की है क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि ना मारी है उसकी कौन किसकी है चौटाला साहब चौटाला साहब की है चौटाला तो तो। साहब तो नहीं हो है बोलो तमने तो कोई खड़ा भी नहीं हो दे उड़े फिर सब अपने घर पर तो आम फिर गेला क्यों मिलाए है सरकार बनाने खातर तुमने मत करो कौन <laughs> कह रहा है ये बात पांच साल पहले कही होती <laughs> ना जब त, जब थर्ड दर था भाई तब तुम्हारे पास दस सीट थी दस एम एल ए थे है? भाई आपने दस पांच साल सत्ता की मलाई खाई अब पब्लिक को जवाब दो भाई अब आप अपना वो हमको आपने भाजपा को समर्थन दिया सरकार में रहे सत्ता की मलाई खाई जबकि आपने वोट लिया था हमको जमुना पार भेजने के लिए जमुना हमको तो जमुना पार भेजना था ना, तो नहीं समर्थन देते क्या पता हम वाकई जमुना पार चले ही जाते बड़ा जबरदस्त काम करा आप नागला मिला गया सरकार भी बना गया आप और ही मारे नाश कर दिया भाई हमें तो चाहिए था जब हमें चाहिए था ना समर्थन हमने ले लिया ये तो तुम्हारी आप वो वो भाई आपकी समस्या थी आप हमें जमुना पार भेजना चाहते थे हमें तो आपसे समर्थन लेने में कोई गुरेज था ही नहीं हमने ले लिया हमने अपनी शर्तों में आपको समर्थन दिया आपके साथ सरकार चलाई बढ़िया सरकार चलाई और आज हम गर्व के साथ पब्लिक के सामने हैं कि वी हैव अ गुड जॉब हमें दोबारा वोट दो अब आप आप फेस फ्रेंडशिप का, जो वो है, वो नहीं, का धर्म नहीं, नहीं नहीं आपने जब हमसे गठबंधन किया था ये थोड़ी नहीं बोला था कि हमारा आपका परमानेंट है गठजोड़ और यहां तो इंडिया अलायंस में देख लो बोला ना? इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा के लिए विधानसभा लड़ेंगे तो वो विधानसभा में उस विधानसभा में हमारे पास चूंकि बहुमत नहीं था इसलिए हमने आपका समर्थन लिया था लोकसभा में नहीं लेंगे तो मैं किस जाऊं लोगों के बीच में वोट मांगना क्या बोलू मैं लोगों को अब अपने दादा की फोटो दिखाओ कि मारा दादा बहुत अच्छा नेता था भाई एक मिनट चौटाला परिवार में जो फूट पड़ी उसने जाट मतदाता को बहुत ज्यादा निराश किया और उसके बाद जाट मतदाता ने आपको जो आपको जो भी जनमत मिला था ना भाजपा के खिलाफ मिला था और आपने उस जनमत की अवहेलना करके एक बात बताओ ना दुष्यंत को पांच साल सत्ता में रह के हासिल क्या हुआ सारी जिंदगी के लिए अपनी उन्होंने अपने बाप दादा की सारी राजनीतिक विरासत गंवा दी शिवसेना उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार चला के एंटी हिंदू फोर्सेस के साथ शिवसेना खड़ी हो गई क्या बचा शिवसेना के पास डेढ़ दो साल सत्ता में रह गए यही तो इतनी घटिया पॉलिटिक्स अच्छा एक मिनट आप ये मुझे ये बताइए भाजपा कितने साल विपक्ष में रही भाजपा और जनसंघ सोच के देखिए जी पचासों साल साठ साल विपक्ष में रही है पर उसने अपनी आइडियोलॉजी से कभी समझौते नहीं किए अपने जो कोर आइडियोलॉजी थी और कोर वोटर को धोखा नहीं दिया कभी भाजपा ने अपनी, अपनी आइडियोलॉजी से थोड़ा बहुत भी अगर डेविएट हुई थोड़ा बहुत तब भी जो है उसका कोर वोटर जो है वो उसको लगाम लगा के रखता था कि नहीं यू कांट इग्नोर योर कोर वोटर जजपा की सबसे बड़ी कमी थी कि उसने अपने कोर वोटर को मतलब उप मुख्यमंत्री और एक छोटी सी पांच साल की मतलब जूनियर पार्टनर की भूमिका में रह के अच्छा अगर यही दुष्यंत पांच साल विपक्ष में बैठता और विपक्ष की राजनीति करता एक अच्छा विपक्ष देखिए भाजपा सरकार तो फिर भी बना लेती हो सकता है भाजपा दुष्यंत के दस में से आठ विधायक तोड़ लेती दुष्यंत अकेला भी अगर विपक्ष में रहता और पांच साल विपक्ष की राजनीति करता तो आज सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स होता भाजपा के बाद हरियाणा में तो एक बात बताऊ मैं इसीलिए बोलता हूं कि इनको ना मैं लकी स्प बोलता हूँ ये जो बाप दादा की राजनैतिक विरासत संभालने वाले जो लड़के हैं ना जी इनके अंदर कोई पॉलिटिकल पोलिटिकल तो होता नहीं इन्होंने जमीन की राजनीति तो कभी की नहीं पब्लिक में घुस के देखा नहीं ये तो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए इसलिए मैं इनको आई कॉल दम लकी स्पर्म्स और जितने भी लकी स्पर्म्स हुए हैं उन्होंने दे है पॉलिटिकल लेगेसी ऑफ देयर फादर दें फोर फादर ऊपर से लेके नीचे तक उठा के देख लो दुष्यंत अब तो ऑप्शन नहीं बचा है कोई ठीक है नहीं बचा ठीक है नहीं बचेगा भी नहीं नहीं, वैसे ही बीजेपी को तो ये सूट भी करती है पॉलिटिक्स जो भी लोकसभा में चल रही है बिल्कुल <laughs> दस के दस सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट और दस के दस सीटों पर जीजेपी कैंडिडेट जो थोड़ी बहुत जाट वोट जो है वो ले लेंगे तो ये बिल्कुल शूट करती है और एक बात बताऊं आप आप बीजेपी की सक्सेस का ग्राफ जहां भी आप देखेंगे बीजेपी को सबसे सुटेबल उस प्रदेश की राजनीति है जहां बाई मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट है जहां पर बाईपोलर कॉन्टेस्ट है बीजेपी बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है राजस्थान में बाईपोलर कॉन्टेस्ट है एमपी में बाईपोलर कॉन्टेस्ट है उत्तराखंड में बाईपोलर कॉन्टेस्ट है हिमाचल में बाईपोलर कॉन्टेस्ट है इसीलिए बीजेपी मैं तो कहता हूं कि बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की बड़ी टेसिट अंडरस्टैंडिंग है जहां पे वो कोई बात ना कोई बात ना ये, ये हो जाना ये इसको नेचुरल हो ये जेनरिक है मैं अपने चैनल में इन चीजों मतलब अगर गोद में बिल्ली बैठ जाएगी फिर इट <laughs> नेचुरल मैं बता रहा हूँ राहुल आपने जो कहा ना पॉलिटिक्स वाली जहाँ दो पार्टियां हैं वहां बीजेपी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती है इसीलिए तो वो आम आदमी पार्टी को खुद उठाती है कि पूरी मेहनत से चुनाव लड़ो और कांग्रेस के दो चार तीन परसेंट चार परसेंट वोट काट लो विधानसभा में उतने में साफ़ हो जाता है कांग्रेस का। गुजरात में क्या हुआ था आम आदमी पार्टी ने हर सीट पर दो चार पांच हजार दस हजार वोट काट लिए कांग्रेस का नाम आडवाणी जी ये कहते थे कि जो क्षेत्रीय दल है उनको सत्ता से बाहर कर दो उनकी राजनीति खत्म कर दो कर तो दी कर तो दी आज कहा है क्षेत्रीय दलों की राजनीति कौन सा क्षेत्रीय दल बचा है देश में जो एक आधा बचा हुआ है वो अगले पांच साल मतलब खत्म हो जाएंगे आप यू बताओ मेरे को आप बड़े राजनीतिक करे क्या कुछ राह तो बताओ कुलदीप बिश्नोई ने क्या कर <laughs> ही शुड मान लो ही शुड ही शुड गो एंड सिट विद कुलदीप बाई के गुरु यार ऑप्शन हो गया uh, वही है <laughs> और कुछ ना है जेजेपी को जिन्होंने वोट दिया वो कित जाओगे वो भी बीजेपी में आऊंगे वो तो खिलाफ है जाटता ने वोट दिया जाट तो खिलाफ है उनको सिर्फ सत्ता चाहिए जिस दिन उनका यह भ्रम टूट गया यह मैं आपको बता रहा हूं 2024 में फिर से बीजेपी जीतने जा रही है लोकसभा की दस की दस सीट और विधानसभा में भी क्लीन स्वीप अब की बार अपने बल पर मेजोरिटी लेके आएगी और अच्छी मेजोरिटी लेके आएगी यह मेरी बात का ध्यान रखना और तीन टर्म लगातार सत्ता से बाहर रहने के बाद जाटों को एक बात समझ में आ जाएगी कि ये जो उनके दिमाग में जो साइकोलॉजिकल एक बैरियर बना हुआ है ना कि वो सिर्फ जाटों की मुख्यमंत्रित्व में ही फल फूल सकते हैं तो इनको बात समझ में आएगा कि अब वो अंधेर गर्दी नहीं चलेगी धूल में न ठकून अब तो प्रजा का शासन चलेगा ईमानदारी का शासन चलेगा एक खट्टर जाएगा तो दूसरा खट्टर आएगा आज बता रहा हूं आपको खट्टर इज नॉट इंस्टीट्यूशन ये ध्यान रखना खट्टर एक व्यक्ति का नाम नहीं है खट्टर एक संस्था है वो संस्था जो कि ईमानदारी से शासन करती है जहां करप्शन नहीं है जहां बेईमानी नहीं है जहां सबको बराबरी के अवसर दिए जाते हैं आप इस बार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्रियों का चुनाव देख लीजिए किसी ने कल्पना सपने में भी सोचा था कि भजनलाल शर्मा जैसा सबसे आखिरी लाइन के कोने में खड़ा हुआ विधायक मुख्यमंत्री बन जाएगा किसी ने सोचा था तो बीजेपी ने जो लकीर खींच दी है ना सर राजनीति राज में तो एक खट्टर जाएगा दूसरा आएगा और सकता है वो खट्टर का भी फुफा हो इस तभी भी कड़ा हो इस तभी भी सखत हो तो जाटों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि भाई तो नहीं चल लगा इसलिए बीजेपी बढ़िया ईसन कर लो आज भी जी। आज भी तीस से चालीस परसेंट जाट मैं ये मानता हूं कि भाजपाई हो चुके हैं जो राष है वो भी हो जाएंगे जाटों ने एक बना जाट मरा तब मानियो जब संगी हो जाए <laughs> नहीं। एक बात बताऊं आपको भाजपा ने जाति आइडेंटिटी खत्म करके हिंदुत्व सनातनी आइडेंटिटी उभारने का काम कर रही है हर व्यक्ति को यह बताया जा रहा है कि तुम जाट नहीं हो तुम हिंदू हो तुम भारतीय हो पहली उसकी भारतीय होने की आइडेंटिटी चाहे वो उसकी पूजा पद्धति कोई भी है मुसलमान को भी वो ये समझा रही है कि नो यू आर इन इंडियन फर्स्ट और हर जाति के वोटर को ये समझा रही है कि तुम भारतीय हो और तुम हिंदू सनातनी हो तो एक बात बताओ जाट इससे कब तक बचेंगे एक न एक दिन तो जाट के भी समझ में आओगी कि ना भाई मैं भी हिंदू हूं ये यूनियनिस्ट कब तक आपको ये समझाएंगे कि ना 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 हम हिंदू कौन नहीं हमारा कोई मतलब नहीं बात के दंगे में हम कौन बोल रहे एक ना एक दिन जाट को समझ में आएगा कि भाई तू भी हिंदू है तू भी सनातनी है और एक बात बताओ ना हुड्डा ही आ गया तो कांग्रेस में फिर जाट क्या करेंगे हुडा आ गया तो और एक बात बताऊं ये बहुत दूर की कौड़ी नहीं है अगर हुड्डा अब तक बीजेपी ज्वाइन नहीं किया इसका मतलब बीजेपी की कोई स्ट्रेटेजी है एक बात ध्यान रखना इस बात का अगर बीजेपी ने अब तक हुड्डा को ज्वाइन नहीं किया है इसका मतलब अभी टाइम टेबल में वो अभी थोड़ा वो, वो एक टैक्टिकल मूव है वो प्लान कर रखा है कि ये यहां तक बात जाएगी फिर वो कदम चलना है हाँ वो जो भी है पर एक चीज मैं हमेशा अपने आजकल के पॉलिटिकल डिस्कशन में हमेशा कहता हूं कि अब भाजपा नंबर ऑफ सीट्स पे काम नहीं कर रही भाजपा को मालूम है हम लोकसभा में दस की दस सीट जीतेंगे इसलिए वो सीटों पे फोकस ही नहीं कर रही अब वो सिर्फ अपना वोट शेयर बढ़ा रही है और वोट शेयर बढ़ाने के लिए चाहे वो राजा वीरभद्र सिंह जी के परिवार को बीजेपी ज्वाइन कराना हो चाहे हुड्डा साहब को बीजेपी ज्वाइन कराना हो किसी भी ऐसी फैमिली को ऐसे बड़े नेता को जिसके पास अपना वोट बैंक है या जो पांच दस सीटों पे तो विधानसभा लोकसभा की दो चार सीटों पे या विधानसभा की दस बीस सीटों पे अगर होल्ड करता है या अगर हर सीट पे उसके दस हजार वोट है तो उसको अपनी पार्टी में शामिल कराओ जिससे कि भाजपा अब 50 परसेंट वोट लोकसभा में 50 परसेंट वोट शेयर से ऊपर क्रॉस करना चाहती है क्यों क्योंकि अगले पांच से दस सालों में भाजपा बहुत बड़े 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 डिसीजंस लेगी रिफॉर्म्स करेगी और उन रिफॉर्म्स के लिए भाजपा को नैतिक रूप से पब्लिक को यह कहने के चाहिए कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तान हमें सपोर्ट करता है आज तो भाजपा के ऊपर एक ये लोग एक बात कह देते हैं ना है सिर्फ सैंतीस परसेंट हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है चालीस परसेंट है सिर्फ साठ परसेंट तुम्हारे खिलाफ है तुमने इतना बड़ा ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कर दिया या जो भी रिफॉर्म्स जो भाजपा सोच रही है जैसे मतलब वन नेशन वन इलेक्शन जैसे रिफॉर्म्स तो उसके लिए भाजपा वो नैतिक समर्थन जुटा रही है कि आज पचास परसेंट से ज्यादा हिंदुस्तान में वोट करता है इसलिए हमने ये जो चेंजेस हम लाए हैं जो ये बिग टिकट रिफॉर्म्स किए हैं वो जस्टिफाइड है बाबा जी वह तो चीज़ आपकी ठीक है मैं तो दुष्यंत तो दूसरे हूँ मुख्यमंत्री बन का सपना था दुष्यंत तो चौटाला का रहा लगे कभी पूरा होगा मुख्यमंत्री बनने का सपना तो मैं भी देख लूंगा आप भी देख लोगे मुलायम सिंह का भी तो प्रधानमंत्री बनने का सपना था अखिलेश का भी अखिलेश का भी है प्रधानमंत्री तो, तो, तो। बनने का सपना तो, 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 नीतीश कुमार का भी है एक सीट को न एक वो भी आदमी सीरियसली मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के सपने लेता है यार तो सपनों पे तो कोई पाबंदी है ही नहीं हाँ एक बात बताऊ आपको अगर पांच साल तक विपक्ष में बैठने की और संघर्ष करने की हिम्मत जुटाई होती पिछले पांच साल सत्ता की मलाई से दूर रह के संघर्ष जमीन पे करता तो बेशक ही आपने बहुत सारे इलेक्शंस देखे आपने बहुत सारे राजनेता देखे आपको कोई ऐसी चीज नहीं लगती कि या इस चीज ने यूं घुमाते मतलब यह चीज तो कैन की बच गई लोगों को यह चीज तो कह सकते हो अभी भी, भी बीच में जाके मतलब जिसे पछली बार कही थी कि बीजेपी को जम ना पार करेंगे उसके नाम पे वोट डले सारे के सारे तो अभी बीजेपी के साथ मिलकर आपने पांच साल सरकार चला ली अब दोबारा वोट मांगने जाओगे जब विधानसभा चुनाव में बोलोगे क्या लोग कोई, कोई तो तो से अपनी गलती को स्वीकार करें जनता से माफी मांगे और बोले कि पांच साल तक आपके हितों के लिए काम करूंगा विपक्ष की राजनीति करूंगा और जमीन पे रह के काम करूंगा सरकार की गलत नीतियों का विरोध करूंगा जनता की सेवा करूंगा जीतूं चाहे आरू चाहे एक भी सीट नहीं ईमानदारी से काम करूंगा और उसको अगले पांच साल करके दिखाए पांच साल विपक्ष में रहे हिंदुस्तान की जनता की याददाश्त बहुत कमजोर है तीन से छह महीने में बड़ी से बड़ी बात ना भूल जा है पर ईमानदारी से जनता के सामने जाना होगा लफाजी नहीं चलेगी ईमानदारी इलेक्शन के दौरान जाना होगा इलेक्शन से पहले अभी से शुरू हो जाए और 2024 को भूल जाए दो की तैयारी करे अगले पांच साल अगले पांच साल विपक्ष में रह के जनता के मुद्दे उठाओ जनता के लिए जमीन पे संघर्ष करो सुबह छह बजे निकल जाओ रात में दस बजे ये ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ेगी अगले पांच साल कसम खा घर आऊ ही कौन है और बोलो संकल्प लो कि अगले पांच साल तक घर नहीं आऊंगा खाट पर नहीं सोऊंगा पांच तो करवा चौथ तो 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 भी बीच में। ओ, तो उड़े चली जाएगी जा रहूंगा वहां चली जाएगी मैं नहीं आऊंगा घर की चौखट पांच साल एसी में नहीं सोऊंगा पांच साल पैदल चलूंगा गाड़ी पे कौन चढ़ूं 5 साल किसी गांव में बिताऊंगा और दादा जी तो यूं क्या करते हो पे चौटाला साहब तो यूं भी क्या करते कि जूती तोड़ाए राज थोड़ी ना है तो फिर वो उनके ऊपर चल के देख लो दादा जी टाइप भी है पिताजी दादा जी अब तो पूछ ले क्या करूं या चीज आपको पॉसिबल लगती है कि दोनों पार्टी वापिस राजनीति संभावनाओं का, का ही खेल है और राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं है राजनीति में देर नो देर नो फिर अगर चौटाला साहब कोशिश करें तो एक बात बताइए ना मुझे तो अच्छी तरह याद है जेल जाने से पहले तो चौटाला साहब और अजय की ही तो पार्टी थी इन्हें लो अब तो बहुत लाइमलाइट से बाहर थे और अब है की बहुत अच्छी इमेज पब्लिक की इमेज कभी भी नहीं रही वो शुरू से ही जो है बड़े अक्खड़ गुस्सैल व्यक्ति जाने गए हैं तो अजय और चौटाला साहब क्यों नहीं रेक कर सकते तो ये तो बहुत मुश्किल टास्क नहीं है और कुछ लोगों को अपनी योग खत्म करनी पड़ेगी पर एक बात बताऊ समय बहुत कम है क्यों क्योंकि जाट बहुत तेजी से भाजपा की तरफ शिफ्ट हो रहा है अगर उसको इस, इस जो है चेंज को बहुत तुरंत नहीं कटेन किया गया रोका गया तो जाट हमेशा के लिए भाजपाई हो जाएगा फिर कुछ नहीं बचेगा